कोई अपने चांद से था महवे गुफ्तगू, मैं अपना चांद ढूंढता रहा और ईद हो गई। नाज़रीन, ईद की इस प्यारी सी खूबसूरत सी ट्रांसमिशन में रॉयल न्यूज़ की जानिब से फिर से हम आपको वेलकम कहते हैं। रॉयल न्यूज़ की तरफ से आपको ईद मुबारक। और अब मुझे ज्वाइन किया है मेरे साथी होस्ट वजाहत खान ने। बिलाशुबा इस बार तूने मेरा इंट्रो करवाया, मेरे नाज़रीन पहले भी जानते हैं, इससे पहले भी मैंने ट्रांसमिशन की थी। खैर, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत 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 ईद मुबारक आपको। और रॉयल न्यूज़ की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन में मुझसे पहले जो मेरी को होस्ट शुमाइला ज्वाइन करी थी, उसके बाद अब इस प्रोग्राम को मेरे साथ इसबा के साथ मैंने ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में। आप सबको एक दफ़ा फिर से मीठी मीठी प्यारी प्यारी ईद मुबारक। और हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ पर इस ईद की खुशियाँ के साथ आप दूसरे लोगों को भी खुशियों में शामिल करेंगे, वो लोग जो लोग ईद नहीं मना सकते, वो लोग जो कुर्बानी रखने की इस्तेआत नहीं रखते। और मेरे ख्याल से इसबा कि इस ईद का पैगाम भी ये है कि ऐसे लोग उनको भी अपनी ईद की खुशियों में शामिल किया जाए कि जो पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते। तो नादार, यतीम और जो मुस्तहिक अफराद हैं, हमारा यही फ़र्ज बनता है, बल्कि कुर्बानी भी हमें जो जिम्मेदारियां हैं इस ईद उल अज़हा की, इस पे हमें यही सीखना चाहिए कि हम जो हम कुर्बानी देते हैं उससे हम एसार का जो है जज्बा वो अपने अंदर इख्तियार करें। और हमें यही मैसेज देती है ईद उल अज़हा कि तमाम मुसलमान जो हैं वो यकजा हो जाएँ, और जो भी कड़ा वक्त आता है मुसलमान यकजा होकर एक दूसरे की मदद करें। तो वजाहत, आप कह रहे हो कि जो गोश्त है वो तकसीम करना चाहिए, लेकिन जो आजकल खबरें गर्दिश कर रही हैं, आजकल मैं यही सोच रहा था कि मेरे ख्याल से पहले तो लोग थे गोश्त तकसीम कर देते थे, मगर अब जैसे कि अखबार में खबरें आती हैं, पता नहीं क्या कुछ हम लोग गोश्त के नाम पे खाते रहे हैं, गधा, कुत्ता, पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि जिसका नाम भी लेते हुए हमें जो है शर्मिंदगी होती है। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ एक अलमिया भी हमारे मुआशरे का कि हम खुद को एक मुसलमान कहते हैं मगर मुसलमान होने के बावजूद हराम चीजें जो है हम लोगों को खिलाते रहे हैं। खाली इस हवाले से लोग जो है गोश्त ज़्यादा इस दफ़ा स्टोर करेंगे ताकि वो ऐसी बाहर के खाने से इतना भी करेंगे। इस बार अच्छी अच्छी बातें तो चलती रहेंगी, क्यों ना पहले अपने प्यारे से आपको बताते चलें कि जैसे कि अभी कुछ देर पहले आप देख रहे थे प्यारे प्यारे गेस्ट यहाँ मौजूद थे, और अब आपको बताते चलें कि फिर से दो प्यारी प्यारी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, और आपको जो है हम इनका तारुफ भी करवाएंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा सब्र कीजिए। वजाहत, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो जिन गेस्ट ने अभी हमें ज्वाइन किया है, साथ ही साथ अदाकारा भी हैं, सिंगर भी हैं, मॉडल भी हैं, यानी कि अच्छा। एक एक वो शख्सियत है और इतनी ज़्यादा खसूसियात हैं उनके पास। तो मैं नाज़रीन आपको तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले एनी ताहिरा का अ वेरी लेजेंड पर्सनैलिटी, सिंगर, मॉडल, अदाकारा। जी एनी ताहिरा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से आपको, सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत बहुत ईद आप कैसी गुजारती हैं? ईद अभी तो गुजारनी है, आप लोगों ने बुला लिया, हमें पकड़ के यहाँ पे बिठा दिया, तो जाहिर है अब आपके साथ मनाएंगे और देखने वालों के साथ मनाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे चूंकि आप एक मल्टी डायमेंशनल लेडी है ना, कि सिंगर भी हैं, मॉडल भी हैं, अदाकारा भी हैं, तो इन इतनी बिजी लाइफ के अंदर तो क्या ईद का जो दिन होता है, ईद के दिन आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाते हैं या वो भी इसी तरह अपनी प्रोफेशनल लाइफ में गुजारते हैं? मैं समझती हूँ जो स्टार्स होते हैं उनकी जो ईद होती है वो प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ गुजरती है। देखा, मेरे जवाब बिल्कुल वो सही दे रही हैं क्योंकि मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, वो मेरी क्या कहते हैं, गाइड भी है, मेरी वकील भी है। तो फिर भी बताइए अपनी मसरूफियात क्या होती हैं? यार, मसरूफियात तो आपको पता है जिंदगी के साथ साथ हैं, ईद हो या कोई भी दिन हो, आपको कोई ना कोई ऐसा टाइम भी निकालना पड़ता है अपने लिए, फैमिली के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, तो साथ साथ सारा कुछ चलता है। अच्छा, और चलता रहेगा, सवालात भी करते रहेंगे, तो क्यों ना दूसरी जो हमारी बहुत अच्छी सी गेस्ट है उनका भी तारुफ करवा। जी नाज़रीन, आपको बताया कि दो प्यारी सी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, और दूसरी भी गेस्ट किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। आपको बताते चले कि बहुत ही बड़ा नाम मेगा, और आपको मैं बताती चलूँ दुनिया स्टेज की कताला है ये, और फिल्म स्टार भी हैं, अदाकारा भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मेगा। वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत ईद मुबारक, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही हैं, ब्लैक ड्रेस में गजब ढा रही हैं आप अपनी कजलारी आंखों के साथ। चूंकि मेरा टाइटल ऐसा है कि दुनिया स्टेज की कताला, तो मेरा तो काम है आंखों से कत्ल करने की, तो आज अगर एक आधा कत्ल हो गया तो बिल्कुल आप आज उसकी अमली तस्वीर बनी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे हमेशा, मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विश करना चाहूंगी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, रॉयल चैनल की तमाम टीम को ईद मुबारक, और मेरे देखने वालों को जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर जो हमारे बहन भाई हैं, उन सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक जी। यार सबको बहन भाई तो ना बोल
यार क्यों ईद खराब करना चाह रही हो? मेरी जान, तमाम मुसलमान दीनी बहन भाई हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये तो सारे रिश्ते तुम उल्टे पुल्टे नहीं करते। अब देखो इस बात पर आओगी तो ये बहस दीन पर चली जाएगी। नहीं नहीं फैंस को हम नहीं कहें भाई, फैंस आप अपने हौसला रखिए। अच्छा जी मेरे फैंस को बहुत बहुत ईद मुबारक, मेरे बहन भाइयों को अलग से ईद मुबारक। ठीक है, बहन भाइयों वाली ईद अलग हो गई और फैंस वाली ईद अलग अलग हो गई। यस भाई फैंस को भी तो चाहिए ना, हक है उनका। बिल्कुल बिल्कुल, फैंस भी आपको जो एक आपके लिए दुआएं भी करते हैं। फैंस की जो आपकी कामयाबी है उसके पीछे फैंस की भी दुआओं का असर होता है। बिल्कुल, हम लोग आज अगर यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहे हैं तो ये उनकी व्यूअरशिप ही है, उनका प्यार ही है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास सब कुछ है लेकिन नाम नहीं है, तो इस नाम के लिए बहुत से एफर्ट करनी पड़ती है। और ये हमारे व्यूअर्स का ही प्यार है कि वो हमें प्यार करते हैं और हम यहाँ पर एक दूसरे से आगे बहस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी बहस को भी देख, आपका हक मांग रहे हैं आपको भी अपने स्टेज पर देख के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। नाज़िम यहाँ मौजूद हैं एनी, ताहिरा और मेगा, इनसे जो है अच्छी परफॉर्मेंस भी हम इनकी देखेंगे, सॉन्ग्स भी सुनेंगे और मजीद भी इनके हवाले से हम जानेंगे कि क्या क्या कहती हैं। तो सबसे पहले एनी ताहिरा की तरफ चलते हैं, क्या हमें आप परफॉर्मेंस देंगी यार? यार मैं इस ईद पे वैसे तो सुरैया खानम जी का शुक्रिया अदा करूँगी आज फिर, कि ये उनका ही एक फेवरेट गाना था जो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया और मैंने इसको जब से गाया है तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी है। ये उनकी मेहरबानी है, अल्लाह ताला का करम है जो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी है, तो मैं ज़रूर यही गाना शेयर करूँगी आप लोगों के साथ भी। चलें सही हो गया। इनकी वो परफॉर्मेंस अभी देखना चाहेंगे या फिर बाद में व्यूअर्स, क्योंकि व्यूअर्स तो हमारे जो हैं बड़े बेताब बैठे हैं एक अच्छी सी परफॉर्मेंस देखने को, तो जैसे ही हमने तारुफ करवाया तो व्यूअर्स जो हैं वो भी बेचैन बैठे हैं कि हम फौरन से जो है एनी ताहिरा की परफॉर्मेंस देखें जो कि वाइट ड्रेस में गजब ढा रही हैं। बिल्कुल
आइस वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही खूब परफॉर्मेंस थी एनी ताहिरा आपने, और साथ ही साथ इतनी अच्छी जो है परफॉर्मेंस इम्प्रेशन जो है वो आपके साथ ही साथ जो है वो चल रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। और मेगा ने अच्छी कोरियोग्राफी आपके साथ बिठाई और हमने ये होते आर्टिस्ट ये होते आर्टिस्ट जिनको कहने का मौका नहीं मिलता, जिनको बताने की जरूरत नहीं होती, उनके अंदर का फनकार को पता होता कि क्या म्यूजिक है क्या नहीं है, वो फौरन फॉलो करते हैं। ये इनकी मेहरबानी है कि ये मेरा साथ दे रही है। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। तो नाज़रीन आपने देखा है एनी ताहिरा की परफॉर्मेंस, हम मजीद भी जो है परफॉर्मेंस देखेंगे इनके साथ ही साथ जो है मेगा, ये कुछ अब इनकी धूम धड़के वाली परफॉर्मेंस जिन्होंने एनी ताहिरा को ज्वाइन किया है, अब हम इनसे कुछ सवाल भी पूछते हैं। तो बताएं मेगा, कैसी रहती है आपकी ईद पे तैयारी, क्या करती हैं? अभी बताने की जरूरत है? माशाल्लाह आपको नजर आ रही है। वैसे आपने बहुत अच्छा अपने फैंस और व्यूअर्स को जो है ना कह सकते हैं आप दोनों ने एक ईद गिफ्ट दिया अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू जो है ना। ये स्क्रीन ऐसी चीज है कि जो आपका आपके फैंस के साथ जो है रابطہ कनेक्टेड रखती है ना, आप उनसे कनेक्ट रहते हैं। और मैंने कहा ना कि जैसे मेरा एक गाना जो मुझे सुरैया जी ने दिया और मेगा जी का साथ मिल जाने से गाने का और निखार निकला है। चार चांद लगे। बिल्कुल। पहली बात ये कि एनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा अच्छा। हाँ, हम लोग ये नहीं कि आज वो तो माशाल्लाह आपकी जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन थी वो तो पता चल रहा था। बिल्कुल, हमने प्लेस भी साथ बहुत ज्यादा किए, टीवी प्लेस किए, अब थिएटर हमने एक आधा किया, तो लेकिन हमारा साथ इतना रहा कि हम जब भी मिलते हैं हमें लगता है कि शायद हम डेली ही मिलते हैं, तो जब ईद का मौका हो दो फिर मजा तो खुद ही दोबाला हो जाता है। तो ये रॉयल वालों का थैंक्स भी कर देते हैं ना। बिल्कुल, ये तो रॉयल को क्रेडिट जाता है कि दो बिछड़ी दोस्तों को उन्होंने मिला दो बिछड़ों को, बल्कि दो बहनों को है। आप दोनों बिछड़ी दोस्त हैं। तो नाज़िम मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जो एनी ताहिरा है ये यहाँ की बिछड़ी होस्ट भी है। एनी ताहिरा होस्ट भी, एक्टर भी, यहाँ की बिछड़ी होस्ट भी है और एक्ट्रेस भी है। तो अभी हम एनी ताहिरा से पूछते हैं, एनी ताहिरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था जब आप रॉयल न्यूज़ में जो है वो काम करती थी, प्रोग्राम करती थी, कैसा लगता था, कैसा रहा ये सफर? एक घर का माहौल और सब आप हो गए, सब हो गए एक फैमिली की तरह। यहाँ आने के बाद मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कहीं और हूँ, मुझे यही लगता था कि सब अपने, इधर भी अपने, इधर भी अपने, इधर भी अपने, आई मिस। लेकिन अच्छी यादें मेमोरीज होती हैं जहाँ पे आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो बातें तो नहीं भूलती कभी भी। अच्छा ये बताइएगा मेगा के आप क्या समझती है कि एक जो आम शख्स है और एक जो सेलिब्रिटी है जिस तरह के आप हैं माशाल्लाह, एक जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है फील्ड जो है आपकी, कितना फर्क होता है दोनों की ईदों में? पहली बात मुझे ये बताया आपके पसीने क्यों इतने छूट रहे हैं? इतने देखे, देखे, आपको देख के बड़े बड़े पसीने छूट जाते हैं। ये देखे, जब इतने इतने बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज बैठी होती हैं तो और साथ ही आंखों के साथ बैठी हो, यही फर्क है कि जब हम लोग बैठे हो तो बड़े 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 हो और पसीने निकल जाते हैं, पसीने के हमको सवाल भूल जाते हैं। अभी तक हमने आपको कुछ कहा ही नहीं है, अभी तक हमने आपको कुछ कहा ही नहीं है, अभी तक हमने आपको कुछ कहा, ये इनको भी पता नहीं ना कि हम कौन लोग हैं। नहीं नहीं, हमें पता है, देखे हमें पता है, तो हमने आपको पसीने आ रहे हैं ना, पसीने भी आ रहे हैं और हमें पता है क्योंकि माशाल्लाह आप एक सेलिब्रिटीज हैं, तो हमने सोचा क्यों ना कि आप जैसी जो अच्छी शख्सियत हैं, नहीं नहीं देखिए आप प्लीज ऐसे नहीं है, ऐसे मिलवाया जाए और ये इसके प्लेटफॉर्म के थ्रू रॉयल के आपको उनसे जो है ना ईद की खुशियों में मजीद ताकि वो दुबाला हो सके आपके फैंस उनके। अच्छा जो क्वेश्चन मेरा भी वही है कि एक फैन जो एक आम बंदा है और एक आर्टिस्ट, दोनों की ईदों में कितना फर्क होता है? देखिए आम बंदे की जो कमिटमेंट्स हैं वो ये कि सुबह उठा, उन्होंने कुर्बानी की, जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया ऑल डे, वो उसको कैरी करते हैं। यकीन माने एक आर्टिस्ट की भी यही लाइफ है, हम ऑन स्टेज आर्टिस्ट होते हैं, बिहाइंड द स्टेज हम भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, हमारी भी वही खुशी है, हमारी भी वही गमी है, लेकिन चूंकि सेलिब्रिटीज़ को थोड़ा स्पेशल डील किया जाता है इसलिए लोग समझते हैं कि पता नहीं ये कितनी शोशा में ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन यकीन माने कि आर्टिस्ट इतना सेंसिटिव होता है कि वो छोटी छोटी बात को भी महसूस करता है जो शायद एक आम आदमी नहीं करता, क्योंकि वो अपनी फेम को लेके इतना कॉन्शियस होता है। क्योंकि वो ना तो अपना दुख एक्सप्रेस कर सकता है ना वो अपनी खुशी एक्सप्रेस कर सकता है, और देखने वाले ये लगते हैं कि आर्टिस्ट जितना स्क्रीन पे आके इतना हंस रहा है कि वो 24 आवर ऐसे कैरी कर, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात है कि आर्टिस्ट का जीना ज्यादा मुश्किल है बजाय एक आम आदमी के।
तो हमारी भी खुशी वही है जब हमारे बहन भाई मिलते हैं, स्पेशल डे होता है, चाहे बड़ी ईद हो, छोटी ईद हो या कोई भी खुशी का त्यौहार हो, तो कोशिश होती है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, क्योंकि हमारी इतनी कमिटेड लाइफ होती है कि ऑन द जब लोगों को छुट्टी होती है हमारा डबल काम होता है। संडे को लोग छुट्टी मनाते हैं और संडे को हम डबल शो करते हैं। हाँ, ये बात है। ईद वाले दिन लोग बाहर जाते हैं, हम ईद वाले दिन जाके डबल डबल शो दो शो करते हैं, तो ऑनवर्ड्स 5-6 दिन हमारा डबल शो चलता है। सो ये बड़ा डिफरेंस है एक आम आदमी में और एक कमिटेड आदमी। घर वाले गिला शिकवा नहीं करते कि थोड़ा टाइम घर भी दे दिया। शुरू से करते सन, हुन ते बेचारे आदमी हो गए ने। उन्होंने पूछ रहे थे जाना कब है। घर वाले भी फैंस में शामिल हो गए, उन्होंने भी स्क्रीन पे देखना होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। घर वाले जब तक आपको घर से सपोर्ट नहीं मिलेगी, घर से आपको साथ नहीं मिलेगा, कोई भी बंदा बाहर अच्छा नहीं ये बात सकता। है एक एनी मैं आपकी तरफ आता हूँ कि जो भी इस फील्ड में आता है तो कुछ घर होते हैं कि जैसा कि हम एक ट्रेडिशनल माशरे में रहते हैं ना, तो घर से थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी होती है, कई घरों में सपोर्ट भी होती है। तो आपने जब इस फील्ड में कदम रखा तो घर से कितनी सपोर्ट मिली या थोड़ी सी आपको भी जितना आम होता है इस तरह के थोड़ा सा हुआ? ये हर घर घर की कहानी है, पहले ना फिर हाँ। पहले क्यों, किस वजह से, क्यों करेंगे, आपको नहीं शर्म आएगी भाई, वो होता है। फिर बाद में अच्छा जाओ कब जाना है, जब वो देखते हैं कि यार जाओ कब जाना है। जब वो लेकिन शौक जो है वो जब तक रहता है, जितनी मर्जी हर्डल्स हो हम उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अच्छा हम लोग खुद भी ये सोचते हैं कभी कभार कि हम लोग बस बहुत हो गई, अब नहीं करना, घर पे बैठना है। 2 माह गुजरते हैं बड़ी मुश्किल से, मेरे ख्याल एक माह भी नहीं गुजरता होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने की जरूरत है थोड़ी सी, क्योंकि ये भी एक जॉब है। अब माशाल्लाह इतने अपॉर्चुनिटीज हैं, पहले एक हमारा कौमी चैनल हुआ करता था, अब माशाल्लाह 100 से अधिक चैनल्स हैं, तो अब तो हर जगह तो एक्टर नहीं बैठे। अच्छा वैसे ये एक अच्छी बात भी है कि जो नए चैनल आए उनके थ्रू एक जो नया टैलेंट या यंग टैलेंट है उसको मजीद जो है उसके लिए चांस मिला है। पहली बात ये कि ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत है। आर्टिस्ट जो होता है वो पदाइशी होता है, ये किसी जाके इदारे में डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाई कर करके नहीं बनता, ये या होता है या नहीं होता। यानी कि ऐसी चीज नहीं है कि जो मेहनत करके बनी, ये क्रिएटिव वर्क है और ये अल्लाह पाक बहुत खास लोगों में देते हैं। ये हर बंदे के बस की बात भी नहीं है कि कोई उठ के गाना गाना शुरू कर दे या उठ के परफॉर्मेंस करना शुरू कर दे। ये फाइन आर्ट से रिलेटेड है क्योंकि खुदा एक खुद बहुत बड़ा मुसव्विर है, तो ये क्रिएशन से रिलेटेड है। क्रिएशन से रिलेटेड है एनी और मेगा आपकी प्यारी प्यारी बातें जो है व्यूअर्स तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन नाज़रीन हमारी ट्रांसमिशन जारी है, यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।